खास तौर पे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे तो यही लगा अमंग ऑल द थिंग्स कि हमें पहले देना आना चाहिए वी शुड बी एबल टू गिव जब हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आता है ये आपने जब बताया तो देन आई कैन रिलेट जब मैं अपने पास से रिलेट करता हूँ कि हाँ ऐसा होता है हमने कभी ध्यान नहीं दिया मैंने पर्सनली कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे बट ये बात कितनी छोटी सी है लेकिन देखिए हमारी आधी ज़िंदगी बीत गई तब <laughs> अब आपके इस शो से पता चला अरे ऐसा तो होता है तो कई बार सिंपल चीजें भी आ, हमें बहुत बड़ी बड़ा एक एक आसान चीज भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है दैट इज द वंडरफुल एब्सोल्युटली और अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं ये हमें अपने लाइफ में सीखनी होती हैं तो ये आपका जो स्कूल है आपका जो पाठशाला है मैं आगे भी एज ए स्टूडेंट किस दिन आऊँगा सर, सच सच एन ऑनर दैट यू हैव कम टुडे डे आपने आज पूरा का पूरा ये सहयोग दिया एंड आपने एक ई uh, मेल के ऊपर एक फोन कॉल के ऊपर ये इन्विटेशन स्वीकार किया सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक थैंकफुल टू यू फॉर फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑल ऑफ अस दोस्तों आप लोगों को कई लोगों को मुझे नहीं पता पता है या नहीं आपने राय सर के वीडियो देखे या नहीं देखे दोस्तों कोविड के टाइम पे एक इंसान जो पूरी तरह से दिन रात लगा हुआ था लोगों को हेल्थ के प्रति चेताने में और ये बताने में कि कोविड कुछ नहीं है आप चाहो तो तीन दिन के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो बूस्ट कर सकते हो मैंने सर का एक प्लान देखा जिसमें कि सर ने कहा आउट ऑफ अगर आप चाहें तो इसे करके देखें तो सर ने सजेस्ट किया था कि इसमें आप इतने ग्लास ऑरेंज का जूस पहले दिन पिए साथ में नारियल जूस पिए एंड उसके बाद ये ये चीजें खाएं खाने पीने पर रिसर्च पूरी तरह से मेडिसिन पर रिसर्च रिवर्सिंग डायबिटीज के ऊपर बहुत सारा काम किया है सर ने तीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए मेमोरी के चैंपियन रहे हैं भारत में बहुत बड़ा नाम रखते हैं और बहुत बड़ा काम सर का है सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका जिसका नाम नाम है है कोच एंड एंड इस शो में मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच राय सर मैं आपसे चाहूंगा कि आपकी कहानी आप ही की जुबानी हम अगले तीन से चार मिनट में सुने ताकि हमें पता लग सके हु रियली इज विश्वरूप राय चौधरी क्योंकि मैंने भी जो बुक्स में पढ़ा है या जो जो इंटरनेट पर देखा है उसी से मैं आपको जानता हूँ सर एंड uh, मेरे पास आपका uh, आपके बारे में जिक्र सबसे पहले किया था जब हमारा ये शो चालू हुआ था तो एक सुरेश खन्ना सर हैं हमारे काफी बड़े uh, मित्र हैं एंड एंडना uh, के टीचर हैं उन्होंने कहा सर विश्व रूप राय सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड कैन यू प्लीज इन्वाइट हिम टू द शो एंड आई आई ऑलरेडी न्यू अबाउट यू क्योंकि मैं जब से ट्रेनिंग के फील्ड में आया मेमरी के जब पहली किताब मैंने खरीदी थी वो आप ही की किताब थी एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड टू रीड दैट बुक सो आई वॉज टली कनेक्टिंग सर आपका आपके साथ उन्होंने शायद एक बार कहीं पे स्टेज भी शेयर किया था काफी पहले तो उन्होंने कल मुझे कहा कि विश्वरूप सर को ये जरूर कहना आप इस शो में कि दस साल पहले वो जैसे दिखते थे उससे ज्यादा यंग अभी दिखते हैं <laughs>

लाइफ के कई सारे सिंपल ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं जो हमें एक डायरेक्शन देते हैं फिर उस डायरेक्शन को पकड़ के हम आगे बढ़ते जाते हैं सो दैट इज वॉट हैपन आई एम पी एच डी इन डायबिटीज एंड मेरे सेंटर्स हैं वियतनाम में मलेशिया में स्विट्जरलैंड में और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया एंड यहाँ पे भारत में श्रीधरी यूनिवर्सिटी पिलानी वियतनाम में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रील साइंसेज यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं और ट्रेनिंग सिर्फ इस बात की कि आपके जैसे मैं अभी घर पे बैठा हूं, और मुझे आई एम आप सब घर पे बैठे हैं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके घर में ही वो सारे सामान है जिससे आप हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन नंबर वन और हर तरह की डिजीज लाइफ डिजीज की दवाइयां बना सकते हैं और उसको उससे किसी भी पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं तो ये है मेरा काम इसी की ट्रेनिंग देता हूँ मेरी ज़्यादातर बुक्स इसी पे लिखी हुई हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई है मैं एक मिनट में बता दूंगा इसको शुरुआत हुई आज से करीब पंद्रह साल सत्रह साल पहले राइट तो मेरी मेरी वाइफ नीरजा नाम है उसको उसका और उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया शादी से पहले से हम लोग जानते थे तो उसकी ये था कि लगातार जुकाम था रहता था लगातार हमने हर तरह का इलाज देखा एलोपैथी आयुर्वेद होम्योपैथ ना जाने क्या क्या और जब कोई हर जगह से हार गए तो लगा कि भाई फिर खुद ही को कुछ करना पड़ेगा सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो बात वहीं पे भी आती है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मुझे याद नहीं है कि कब ठीक uh, था स्कूल में कॉलेज में अर्ली लाइफ में हमेशा था तो मुझे लगता है कि हर चीज का सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होता होगा और इट मस्ट बी वेरी सिंपल भगवान ने हमें बनाया तो हमारे प्रॉब्लम के, के साथ कोई ना कोई सोल्यूशन दिया होगा Absolutely. तो जब हर जगह से सोल्यूशन uh, नहीं मिला देन इसका मतलब कि अब हमें इसको इन्वेंट करना है दैट्स हाउ आई स्टार्टेड और फिर हमने देखा कि आ, आप मानेंगे कि चाहे वो डायबिटीज़ हो या एच आई वी एड्स हो या कोविड जो अभी हम बात कर रहे थे आ, आगे भी बात कर सकते हैं या कैंसर हो हर चीज़ के इलाज इतने सिंपल हैं कि आ, आप विश्वास ही नहीं करेंगे सिर्फ फर्क इतना है कि आ, आप तक वो इलाज किसी ने पहुंचाया नहीं

तो इस पर रिसर्च किया इस पर स्टडी किया इस पर पी एच डी किया एंड दाउ इज द लाइफ दोस्तों कंट्रीब्यूशन ही एक चीज है जो आपको सब कुछ देती है सर्टेनिटी नाम शोहरत पैसा वैरायटी सब कुछ है आ, उसकी जीती जागती मिसाल है सर हमारे सामने इस समय विश्व रूप सर आ, इसका मतलब तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कि जो कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित है तो मेरे पास आज का लाइव एक ऐसा केस है मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या हो सकता है एक मैम मेरे पास आई मिसेज राउत एंड मिसेज राउत जब हमारे पास आई तो आज शाम को वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी कि सर मुझे पिछले काफ़ी सालों से सर में ऐसे ही दर्द रहता है मैंने साइकियट्रिस्ट को दिखा दिया मैंने एलोपैथिक वालों को दिखा दिया होम्योपैथिक वालों को दिखा दिया पिछले पच्चीस साल से मैं रोज़ दवाइयाँ लेती हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और दवाइयों से सर में गर्मी हो जाती है कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन होता है उसके कारण बिहेवियर बहुत रॉन्ग हो जाता है इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी सुंदर थी और अब मेरा यू नो रूप भी उसके कारण काफी मुरझा गया है मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कि सर मुझे कुछ बताइए एंड मेडिकल कितने भी टेस्ट करवा लो उनके टेस्ट में सब नॉर्मल आता है सर सो हाउ डू यू थिंक पर्सन हु कैन क्योर ए कंसिस्टेंट डिप्रेशन जो बीस बीस पच्चीस पच्चीस सालों से डिप्रेसिव थॉट प्रोसेस में और प्लस वो उन्होंने कहा कि पच्चीस साल तीस साल पहले घरों में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरे अंदर काफी सारी चीजें बैठ गई और वो बाहर नहीं निकलती इलांगेटेड so, डिप्रेशन kind of और अगर कर सकता है तो वॉट डू यू थिंक एंड वॉट कैन बी सजेस्टेड ऐसे ही कुछ और पेशेंट्स हैं हालांकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ तो हम तो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में कई लोग ये सब लोग पूछ लेते हैं सवाल कि सर मेरे को ओसीडी है काफी सालों से मैं क्या करूँ उसको कैसे ठीक करूं सो कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दीज का देखिए यहाँ पे केस जो आपने बात की डिप्रेशन वाली केस बात किया वो एक लॉन्ग हिस्ट्री है उसका जैसे आपने बोला और जाहिर सी बात है ये आप सबको सबसे पहले तो टू तो, तो स्टार्ट विथ कि क्या नहीं करना kind of चाहिए डोंट ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन इन एनी काइंड ऑफ पैथी चाहे वो एलोपैथी हो खासतौर पे या वो होमोपैथी हो या वॉट पैथी जो भी है उसमें कोई इलाज है ही नहीं बस ये कि उतने वहाँ जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करते होंगे दैट इज फॉर श्योर सो so, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात डोंट ट्राई टू फाइंड इट और दूसरी इंपॉर्टेंट बात डायग्नोसिस इसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता जो हेडेक होता है वो आप ही बताते हैं पेट में दर्द होता है आप ही बताते हैं डायग्नोस्टिकली दर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड साइंस ने ऐसी कोई चीज इन्वेंट नहीं की जिससे ये पता चल जाए कि आपके अंदर कोई दुख है तो बता दे देखो इसका दुख है दुख की रीडिंग दस यूनिट है या फिर इसको दर्द है दर्द एंड दुख इसका कोई पैमाना या इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता नहीं है जिसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई दवा भी नहीं होती है तो क्या नहीं करना है टू स्टार्ट विथ डोंट ट्राई टू फाइंड फाइंडूशन इन दिस काइंड ऑफ पैथी अच्छा अब आते हैं क्या करना है देखिए इसमें दो आस्पेक्ट है टू बी वेरी शॉर्ट वन एस्पेक्ट इज द साइकोलॉजिकल जिस पे आप डील ऑलरेडी कर रहे हैं एंड दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेकेंड एस्पेक्ट इज हॉर्मोनल एस्पेक्ट क्या होता है कि डिप्रेशन का मेजर कारण जो मैंने देखा है कि वो ये है कि ए, हमारे घर में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है देन वी स्टार्ट बिकमिंग डिप्रेस बिकॉज वी आर थिंकिंग समथिंग राइट जो कि नहीं सोचना चाहिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच रहे हैं जी सर ऐसा जब हम लंबे समय तक करते हैं कुछ समय कंसिस्टेंटली करते हैं तो हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर हार्मोन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है उसको डेविएट कर देता है अब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो के वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है इट स्टार्टेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बट उस वक्त उसने इंटरव्यून नहीं किया या उस वक्त उसने आप जैसे काउंसलर के पास गए नहीं या जा नहीं पाए तो अब वो साइकोलॉजिकल से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया अब उसको psychological angles उसको ठीक करने भी भी कोशिश करेंगे तब भी वो it is imbalanced, तो वो 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 ठीक होगा नहीं right? चाहे करेगा तब भी क्योंकि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों प्रॉब्लम एक साथ हो गए तो जो साइकोलॉजिकल में क्या करना है वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल में क्या ऐड करना है वो मैं अभी बता देता हूँ बस नंबर याद रखिए जब भी कोई मेंटल दिमाग से उसको फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं है, 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 ये बहुत सारे नाम है बेसिकली एक ही चीज है हॉर्मोनल इम्बैलेंस तो इसको बैलेंस को वापस कैसे लाना है दो स्टेप है बल्कि तीन स्टेप है पहला स्टेपर याद रखिए केसर, केसर लीजिए एक ग्राम के पैकेट में आता है उसका एक दसवा हिस्सा पॉइंट वन ग्राम लेना है और उसको गर्म पानी बहुत गर्म पानी एक कप पानी में एक कप बहुत गर्म पानी में डाल देना है दो तीन मिनट में उसका कलर सैफरन, केसरी रंग का हो जाएगा फिर उसको सिप करके चाय की तरफ पीना सुबह और रात को सोने से पहले सुबह खाली पेट रात को सोने से पहले इफ यू कैन डू इट फॉर ट्वेंटी अ क्लियर कट डिफरेंस अबाउट थर्टी फोर्टी परसेंट इम्प्रूवमेंट की हाँ अभी

हो, वो कुछ भी हो सकता है वन पार्ट जो आप ऑलरेडी अभी देख रहे हैं oh, तो जब ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी एंड कंसिस्टेंटली जब ट्वेंटी वन डेज तक करेंगे तो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट आपको आराम मिलने लगेगा और इतना आराम मिलते आपको एक ट्रिगर एक मिल जाएगा कि हाँ डायरेक्शन इज राइट सो यही आपको करना है एंड दिस शुड वर्क of people इतना सरल जवाब दोस्तों uh, मेरे प्रोग्राम से सर uh, कई लोग uh, एक मैसेज करते हैं सर मेरा डिप्रेशन चला गया सर ये हो गया सर मेरा इतने टाइम से हेल्थ इश्यू था वो ठीक हो गया Uh, लेकिन आपने ये जो बिल्कुल सटीक बताया कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको क्या बता सकता हूँ मेरे को तो सिर्फ यही बताना आता है कि खुश रहो मेडिटेशन करो पॉजिटिव सोचो विजुअलाइजेशन सोचो बट ये जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर सो सर ये कोविड के बारे में आपने काफ़ी सारी रिसर्च की है वॉट डू यू थिंक

तो पहला सवाल तो ये कि कोविड के बारे में पूछा इसमें एक बात आप सबको एक बात अनबायस्ड होकर देखना सोचना पड़ेगा अनबाइज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब बोल रहे हैं कोविड जब सब लोग बोल रहे हैं कोविड तो कोविड जब आप सोचते हैं व्हाट इज कोविड तो आपके दिमाग में जो भी उसकी पिक्चर आती है कोविड एक शेर है या एक राक्षस है या एक चींटी है ये पिक्चर आपके दिमाग में बनाई किसने है जो भी पिक्चर है वो पिक्चर बनाई किसने जो भी चीज आप अखबार में पढ़ते हैं जो भी चीज आप न्यूज़पेपर में मैगजीन में टेलीविजन में देखते हैं या आपके पड़ोसी बताते हैं कंसिस्टेंटली या फिर आप फोन उठाते हैं और फोन में जैसे ही पहला बटन दबाते हैं फोन करने के लिए तो एक अमिताभ बच्चन की आवाज आती है वो आपको डराता है जो भी कुछ होता है तो एक इमेज बन रही है ये जो कॉन्स्टेंट इनपुट आ रहे हैं आपको कोविड ये है कोविड वो है अकॉर्डिंगली अनोइंगली आपका दिमाग एक राक्षस की इमेज फाइनली बना दे रहा है और एक ऐसा राक्षस जो पता नहीं कहाँ पे है, इनविजिबल है वो कभी भी आपको खा सकता है दैट इज बात बात सबसे बात कि जो इनपुट आ रहे हैं आपके या न्यूज पेपर से आ रहे हैं या अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं तो टेलीविजन और ये कितने रिलायबल हैं ये देखना पड़ेगा आप बोलेंगे टेलीविजन में जो आ रहा है वो हेल्थ uh, मिनिस्ट्री की आ रही होगी तो हेल्थ मिनिस्ट्री इट इज नॉट साइंटिस्ट वो भी कहीं से इन्फॉर्मेशन ला रहे होंगे

ये लोग जहां से देख रहे हैं वहां भरोसा करें वो अल्टीमेट जगह है जर्नल्स जर्नल्स मेडिकल राइट तो आप मुझ पर भी भरोसा ना करें आप जर्नल्स पे भरोसा करें अब जर्नल में जाएंगे तो क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता दो लाइन में ताकि आप उसको बाद में रेफर करें जर्नल में ये लिखा हुआ है कि कोविड की जो फेटिलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर जिसे बोलते हैं राइट मतलब एक हजार लोगों को कोविड हो जाएगा तो उसमें से एक आदमी मरेगा <laughs> फ्लू की डेथ uh, रेट कितनी उसकी भीट <laughs> तो बार हो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो दैट इज हाउ द बॉडी इज मेड और आप हम जिंदा है तभी आप मुझे सुन रहे हैं आपको बता पा रहा हूँ तो इसका मतलब फ्लू से लड़ना आपके बॉडी को अच्छा खासा आता है तभी हम जिंदा क्योंकि हो चुका है और आगे भी जितनी बार जिंदा रहूंगा जितने साल उतनी बार होगा तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक ऐसी बीमारी जिससे हमने ऑलरेडी फोर्टी एट बार फिफ्टी बार जो भी आपकी एज है उतनी बार आप लड़ाई कर चुके हैं और आप जीत चुके हैं तो आगे भी उसे ये जो है, ये जो कोविड कोविड है नाम उससे आया है बट इट इज अ फ्लू इट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में है इसकी फेटिलिटी रेट पॉइंट वन है और जो भी नॉर्मल फ्लू की होती ही है वो फ्लू एच वन एन हो चाहे वो, वो वो कोई और रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर हो एडनो हो या फिर आइनो हो इन सबकी पॉइंट वन है तो कोविड वो भी खांसी जुकाम से ज्यादा नहीं है ना तो खांसी जुकाम से वो फैल सकता है, ना ही फ्लू सेन खांसी जुकाम एंड फ्लू फ्लू खांसी जुकाम से थोड़ा ज्यादा इंटेंस फ्लू से थोड़ा कम इंटेंस इसके बीच में कहीं है तो हम okay. खांसी जुकाम से भी लड़ते आए हैं फ्लू से भी लड़ते आए हैं तो इसमें जर्नल बच्चन क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता लेकिन मैं जनरल को मानूंगा भाई, लेकिन yeah. आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो उनको मानेंगे बार-बार बोले आपके, कान में आके, क्योंकि yeah. हमारा जो ब्रेन है मैंने ऐसे देखा है, कि वो होगा। yeah. ये कहता है आज की तारीख में एट टूडेटीन ऑफ जैन अभी तक सारा डेटा ये कहता है तो कोविड इज हैं इन्फेक्शन फैलाने का रेट सेम है तो ये कोई स्पेशल बीमारी नहीं है मेडिकल जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन तो अब आता है दूसरा वैक्सीन ले आना वैक्सीन के बारे में क्या ख्याल है या जो भी एक इंपॉर्टेंट बात फ्लू का आपने वैक्सीन लिया नहीं लिया

तो म्यूटेट हो गया हो गया म्यूटेट म्यूटेट हो तो ये वायरस इतना फास्ट करता है कि वैक्सीन तीन ये हो चुका ऑफिशियली जर्नल okay. में नहीं। नहीं। तो अब ये जो वैक्सीन आपको बचाएगी ये उस वाले वैक्सीन उस वाले वायरस से बचाएगी जो छह महीने पहले था ना कि अभी इसीलिए कफ एंड कोल्ड एंड फ्लू का वैक्सीन नहीं होता है और जो था वो वैक्सीन कामयाब होता ही नहीं कभी राइट okay. हमें अभी कभी नहीं सुना होगा कि भाई कफ एंड कोल्ड का वैक्सीन लगा लो आप राइट तो okay. वैक्सीन क्या ये कामयाब होगा कामयाब हो ही नहीं सकता तो अब तो फिर ये क्यों लगा रहे हैं तो देखिए ये एक व्यापार है लगा रहे हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कामयाब होगा कि नहीं ये कोई एविडेंस नहीं है कामयाब होने का <laughs> ठीक है ना कोई एविडेंस नहीं है कामयाब तो होगा लेकिन पुराना वाला वायरस अगर आपको काटेगा तो कामयाब होगा लेकिन पुराने वाला तो खत्म हो गया ना नया वाला आ गया है तो नया वाला काटेगा तो नहीं करेगा जाहिर सी बात है जी। अब तीसरी और आखिरी बात होती है जो आपने पूछा इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है इम्यूनिटी को इसलिए नहीं बढ़ाना है कोविड आ गया है मान लो कोई नया जैसे ऋतिक रोशन या कोई बड़े स्टार का बेटा लॉन्च होता है तो उसकी ज्यादा पब्लिसिटी हो जाती है तो हमारा ध्यान चला जाता है तो हम उस मूवी को देखने जाते हैं राइट और जब ज्यादा लोग मूवी को देखने जाएंगे तो टर्न भी ज्यादा ही आएगा चाहे वो मूवी एवरेज ही क्यों ना हो तो उस तरह से ये नया स्टार पैदा हो कोविड या जिसको ज्यादा ओवर पब्लिसिटी मिल गई है इसके अलावा इसकी क्षमता के हिसाब से मारने की फैलने की इज नथिंग डिफरेंट देन एनीथिंग एल्स अगर तो डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको इस वक्त मेरे ख्याल पांच छह हजार लोग देख रहे हैं आप अभी लिखिए अपने अपने कमेंट में कि क्या डिफरेंट है आप ये बोल सकते हैं कि वो बोल रहा है ये बोल रहा है लेकिन डिफरेंट क्या कोई नहीं बता सकता है। बता सकता है तो बताओ राइट आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट भी हो सकते हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं हाउ इट इज डिफरेंट और मोर कैन कैन से आई चैलेंज राइट तो इम्यूनिटी बढ़ाना है कैसे बड़ा ही सिंपल है दो ही स्टेप इम्यूनिटी बढ़ाने के दो नियम आप दिमाग में बिठा लीजिए इम्यूनिटी की चिंता नहीं होगी पहला नियम है पहला स्टेप पॉइंट ग्राम विटामिन सी आपको रोज खाना है

ऑब्स्ट्रक्ट करता है खास तौर पे जब आप बुखार हो ही गया है बीमार पड़ ही गए हैं एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में एनिमल प्रोटीन को स्टॉक कर दिया जाए नंबर वन उस ड्यूरेशन में जो विटामिन सी की मात्रा मैंने ग्राम ग्राम बोली थी वो 6 तक बढ़ा दिया जाए यानी उसकी क्वान्टिटी काफी ज्यादा कर दी जाए इट आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी इमीडिएटली इट टेक्स फ्यू आवर्स टू डेवलप लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ आप रोज थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते रहिए रॉ फॉर्म में रॉ फॉर्म में

राइट right? तो उल्टा हम करते हैं बीमार भी हम ही पड़ते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पांच दस मिनट रोज दे ही दो फोकट का आता है इसको दो बस दैट विल बिल्ड अ गुड इम्यूनिटी इस समय पांच हजार चार सौ लोग कनेक्टेड हैं मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस भी अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी है तो मुझे जरूर शेयर करें बिकॉज यू नो आई वुड लव टू टेक योर क्वेश्चन टू सर बट लुक एट दिस कितनी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है कितनी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है कि विटामिन सी जो कि हमें फ्रूट से मिल सकता है वेजिटेबल से मिल सकता है अगर हमने रोज इन चीजों को करना शुरू कर दिया तो इट विल बी रियली रियली गिविंग अस अ लॉट ऑफ बूस्ट नंबर वन नंबर टू कितना सिंप्लीफाई आपको कर दिया कि एक सनलाइट में थोड़ा सा बैठ जाइए एंड खाना बंद कर दिया बट देन आई गोट टू रियलाइज वट इज द पावर सर एंड थैंक यू सो मच सर एंड uh, दोस्तों एक और चीज मैं आपको कहूंगा आज पंद्रवा सेशन है हमारे द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का uh, uh, चौधरी विश्व रूप सर uh, sorry, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ये वर्कशॉप नवंबर में हमने आ, की थी इसके पहले मैं पिछले दस सालों से इसको फिजिकल फॉर्म में करता आ रहा हूँ एंड पिछली बार जब की थी तो करीब छह लाख लोगों ने इसे अटेंड किया था ओवर अ पीरियड ऑफ सत्ताइस दिन का ये वर्कशॉप था इस बार हमने इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया है और सोलह दिन में हमने इसे किया है आज पंद्रहवा दिन है सेकेंड लास्ट डे है एंड दिस इज रियली क्रिएटिंग मैजिक इन द लाइव ऑफ पीपल एंड आपकी ब्लेसिंग्स के कारण और आपकी इस uh, सहयोग के कारण इट विल इवन रीच टू मोर पीपल सॉरी uh, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों हम पंद्रह दिन से एक ही बात कर रहे हैं अपनी फिजिकल अपनी मेंटल एनर्जी को बढ़ाते रहे और फिजिकल एनर्जी में जो मैं बता सकता था मैंने बताया जो मेरे डोमेन के बाहर का है वो बताने के लिए विश्व रूप राय सर यहाँ है सो so, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक सम ऑफ द थिंग्स सम ऑफ द्वेश पहला तो विजय मित्रा जी लिखते हैं विश्व चौधरी सर की बातें सो प्रसन्न सत्य हैं उन्हें सादर अभिनंदन सर मुझे एक ईयर से आर्थराइटिस है सर प्लीज कुछ बताएं क्या आर्थराइटिस के लिए सर मैं आ, कुछ किसी किसी पर, पर्टिकुलर तरह का खाना पीना या कुछ कर सकती हूँ सो so, ये रुचि जैन का सवाल है सर इट विल बी वेरी इट विल बी एन ऑनर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस सर देखिए इसमें के जितने पेशेंट्स हैं या जॉइंट्स के जितने पेशेंट्स हैं हड्डियों के जितने पेशेंट्स हैं वो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लें कि जितने साल से आप पीड़ित हैं उतने महीने लगेंगे ठीक होने में दैट द फर्स्ट रूल राइट तो आपने नौ साल बोला तो नौ महीने का पेशेंट भाई मेरे पास महीने का पेशेंट है टू गेट रखियेटर्ड आई मीन क्योर्ड मीन की नौ साल पहले जो आपकी हालत थी यानी कि जो आप ठीक थे वो वाला हो जाना मतलब जस्ट लाइक की एक ओवरऑलिंग हो जाना दैट विल टेक अबाउट नाइन टाइम अच्छा तो अब आता है कि नौ महीने में करना क्या है राइट सो दैट इज वेरी सिंपल स्टेप वन बारह बजे तक यू डिसाइड कि आप सिर्फ और सिर्फ fruits खाएंगे कोई भी तीन से चार तरह के फल कोई भी वो केला हो सकता है अंगूर हो सकता है सेब हो सकता है संतरा हो सकता है पपीता हो सकता है तरबूज हो सकता है खरबूज हो सकता है अनार हो सकता है अगर तो आप डायबिटीज पेशेंट भी है साथ में तो ये जरूर कीजिए कि वो जो फल खाएंगे वो स्वीट फल यानी कि जो अंगूर है या चीकू है वो जरूर खाएं अरे आपको लग रहा है कुछ गलत सुन लिया लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ कि ये जो स्वीट फल होते हैं वो डायबिटीज को बड़ी तेजी से ठीक कर देते हैं ठीक कर देते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रेमबर मैंने डायबिटीज पे पी एच डी किए हमारे बहुत सारे रिसर्च पेपर छपे हैं मेडिकल जर्नल्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड और मेरी कई सारी किताबें डायबिटीज पे ही हैं और हमारे डायबिटीज के कैंप में जब पेशेंट्स आते हैं तो उनका स्वागत कम से कम दो किलो आम से खाते करते हैं जब तक वो दो किलो आम उनके पेट में नहीं जाएगा तब तक वो हमारे सेंटर के अंदर नहीं जाएंगे तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आ, आपको तीन से चार तरह के फल खाना है बारह बजे तक अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्वांटिटी कितनी खानी है फॉर मी राइट एक बार में खाऊं दो बार में खाऊं बारह बजे बार बार तक तो जितनी बार खाएंगे देखिए फल सभी खाते हैं लेकिन जब आप सात सौ ग्राम खाएंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए आपका साठ के जी तो साठ छह सौ ग्राम या उससे ज्यादा 600 तक. तो 600 तो, ग्राम से सर खाया तो भी चलता है? तब और अच्छा बे, 600 ग्राम तो नहीं है नहीं। तो और एक वेन लेना है और जब खाएंगे तो वो वाला पार्ट आपको तोड़ना है जो पार्ट आप खा रहे हैं केले के, के छिलके को नहीं तोड़ना है एनी anyway, वे वो खा नहीं इमेंट स्टेप 1 स्टेप और कुछ और नहीं खाना पराठे वगैरह चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पेट भरना है लेकिन विद फ्रूट्स स्टेप टू जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे आपको तीन से चार तरह की कच्ची सब्जियां रखनी है जो आप कच्चा खा पाए टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह एंड टोटल क्वांटिटी शुड बी योर बॉडी वेट इंटू फाइव मान लीजिए मेरा बॉडी वेट सेवेंटी के जी इंटू फाइव दट बिकम थ्री फिफ्टी ग्राम साढ़े तीन सौ ग्राम तो मुझे खाना ही पड़ेगा इससे ज्यादा खाएंगे तो अच्छा इससे कम इट इज़ अ फूड इससे ज़्यादा इट इज़ अ मेडिसिन इतना खाने के बाद प्लेट टू में घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल वेजिटेरियन कुक फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट सॉल्ट इज वन एनिमी याद रखिए ऑयली योर एनिमी तो मिनिमाइज करना है छोड़ना नहीं भी है तो कम, कम कर देना है प्लेट टू प्लेट टू में कितना खाना है जितने में पेट भर जाए आप बोलेंगे पेट वन से प्लेट भर जाएगा जो सलाद खाएंगे वो भी साढ़े तीन सौ ग्राम या तीन सौ ग्राम सलाद से पेट भरेगा पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन आपकी भूख बढ़ेगी पेट नहीं भरेगा भूख बढ़ेगी okay. आपका एपिटाइट बढ़ेगा मतलब खाना खाने ने काम करना शुरू कर दिया लेके मेडिसिन एक आखिरी स्टेप वो आखिरी स्टेप मैंने पहले भी बताया है कि दो तरह की चीजों को अपने जीवन से हटाइए एक वो चीजें जो जानवरों से निकल के आती है राइट mm -hmm. मैंने बता दिया था एनिमल फूड वो डेयरी प्रोडक्ट हो या वो मीट मछली अंडा हो और दूसरा जो फैक्ट्री से निकल के आती है आप जब भी कोई चीज खाने से पहले पूछेंगे ये फैक्ट्री से निकल के आई क्या बिस्किट आई है फैक्ट्री से निकल के रस्क है ब्रेड आई है नमकीन आया है छोड़ दीजिए जो सीधे खेत से निकल के आता है उसी को लीजिए तो बस इतना नियम करेंगे साथ में सनलाइट ऑफ कोर्स जो मैं बोलता ही हूँ पंद्रह बीस मिनट और ऐसा जब करेंगे और इस स्पेसिफिक केस में आप कंसिस्टेंटली नौ महीने करेंगे थर्ड मंथ तक मैं बता सकता हूँ कि तीस चालीस प्रतिशत हो जाएगा शुरू के so. तीन महीने में ना बड़ी तेजी से ठीक होता है फिर mm. थोड़ा ठीक होने की रफ्तार कम हो जाती है बट रहती है और ना नौ महीने बाद एट एनी स्केल आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट आपके केस में नौ महीने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने नौ साल बताया है तो नौ mm. नहीं तो दस महीना लग जाएगा इससे ज्यादा क्या लगेगा बट आप देखेंगे साथ में अगर एक वार्निंग है अगर आप साथ में ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा बिकॉज दिस फूड इट विल टेपर डाउन द ब्लड प्रेशर ऑल्सो तो आप ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए एट द मोमेंट ही इट गोज डाउन तो साथ साथ ब्लड प्रेशर की दवाइयां टेपर डाउन कीजिए ब्लड शुगर की दवाइयां टेपर डाउन कीजिए थारॉइड तीन महीने में इसमें कम होने लगता है

राइट right? और कुछ करना ही नहीं है ना कुछ कर सकते हैं कोई दवा तो होती नहीं इसकी सो नाइस सर सो सिंपल यू आर मेकिंग थिंग्स सो सिंपल बट एक uh, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर प्रॉब्लम लोगों का यह है कि ये सिंपल सोल्यूशन कई बार सुन तो लेते हैं लेकिन उनको कर नहीं पाते करना चाहते हैं तो एक्सक्यूजेज आ जाते हैं कमजोरी जीभ की कमजोरी स्वाद की कमजोरी सामने आ जाती है कैन यू ऑल्सो हेल्प अस की एक पेशेंट आई नो ये ये सारी की सारी विल पावर का काम है कि सिर्फ मैं फ्रूट्स ही खाऊं बारह बजे के पहले सलाद खाऊं इतना लेकिन जैसे ही गुलाब जामुन सामने दिख गया या फिर मिल्क प्रोडक्ट सामने दिख गए पनीर सामने दिख गया लोगों का ये कंट्रोल खुद पे से छूट जाता है और लोगों का क्या सर मेरा भी छूट जाता है सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वट डू सजेस्ट टू सच एम राइट नाउ फुल्ली फिट बट यू नो लाइफ नेवर नो एंड जो सच में इस समय बीमार है उनका भी कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता सो so, उनको तो जरूरत है सो कैन दे ऑल्सो डेवलप दिस कंट्रोल इज एनी ऑफ यू सजेस्ट टू योर पेशेंट्स देखिए इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा एक तो ज्यादातर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं पर्सनली करते हैं वो एंड स्टेज वाले आते हैं जैसे mm -hmm. आते हैं, mm -hmm. एंड स्टेज किडनी फेलियर आते हैं एंड स्टेज स्टेज फोर्थ वाले कैंसर वाले आते हैं गैंग्रीन वाले आते हैं mm -hmm. तो ऐसे लोग आते हैं जिनको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपका कुछ हो ही नहीं सकता तो उनको पता है कि दिस इज अ मेडिसिन राइट तो वो लोग कर लेते हैं उनमें से भी काफी लोग नहीं भी कर पाते हैं दैट इज वन थिंग तो यहाँ पे मैं तो यही बोलता हूँ कि जो चीज हमने मना किया आपको तो वो चीजें आप अपने घर में अपने आसपास रखो मत और जो चीज हमें खाना है वो एबन्डेंस में अपने आसपास दिखते रहना चाहिए राइट right? मैं अपने जैसे गाड़ी में जाता हूँ तो मैं कैरी करता हूँ अपने साथ केले वगैरह साथ में रहते हैं हमारे जैसे लेडीज लोग अपने बैग में लिपस्टिक वगैरह हमेशा साथ में रखते हैं ना कंघी वगैरह शीशा वगैरह तो ये है ब्यूटी मैं बोलता हूँ इंटरनल ब्यूटी अंदर की ब्यूटी के लिए केला या नट्स या स्प्राउट्स ये सारी चीजें आप हैंडी रखिए ये इंटरनल ब्यूटी के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए जो चीजें आप बार बार दिखाई देंगी ना चीजों पे आपका लोभ बढ़ेगा आपका टेस्ट बढ़ेगा जो टेस्ट है आप जीप से नहीं खाते सबसे पहले तो आप आंखों से खाते हैं राइट जैसे मैं कोई अगर बोलता हूँ आइसक्रीम तो दिखाई दे रहा है तो आपको में आप टंग में टेस्ट आ रहा है इमेजिन कर रहे हैं टंग में टेस्ट आ रहा है फिर जब छूते हैं फिर स्मेल करते हैं आखिर में टेस्ट होता है तो टेस्ट इज लास्ट थिंग राइट जैसे मैं पापड़ बोलता हूँ पापड़ की कट की आवाज आएगी तो टेस्ट आ गया अभी खाया भी नहीं है राइट तो आपने देखा भी नहीं सिर्फ सुना सुना है तो आप अगर सोचते हैं कि जीप से खाते हैं जीप से तो आखिर में खाते हैं पहले तो आंखों से खाते हैं दिमाग से खाते हैं नाक से खाते हैं हाथ से खाते हैं उसके बाद टंग की बारी आती है इफ दैट इज सो कि आंखों से ही खाते हैं तो आंखों से खाने के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं और आपने डेडिकेटेड हैं तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि उस तरह की चीजों को एबंडेंस में अपने आस रखना शुरू तो कर ही सकते हैं जब रखेंगे तो आपका हाथ जाएगा आप खाने लगेंगे नंबर वन नंबर टू फिर क्या होगा जैसे अभी प्रीवियस वाले केस में ही पंद्रह बीस दिन में आप जब उस तरह से पार्शली भी खाएंगे और आपके हड्डियों में थोड़ा ताकत आएगा और आप देखेंगे चार किलो वेट भी घट गया सा करके ही तो अब मोटिवेशन बढ़ेगा विल पावर अपने आप ही बढ़ेगी बिकॉज कुछ पॉजिटिव चेंज आया है तो फिर आप उसमें ट्रांजिट करने लगेंगे अपने आप ही राइट तो इस तरह से आप जब करेंगे ट्रांजिट फिर हमने एक चीटिंग डाइट का भी प्रोविजन रखा है इसमें जो मैंने पहले नहीं बताया कि एक महीना आप स्ट्रिक्टली कीजिए फिर हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट चीटिंग डाइट का का मतलब ये होता है कि कभी पिकनिक गए गए पार्टी में में बर्थडे हुआ कुछ खाने का दिल कर ही गया उल्टा सीधा तो हफ्ते एक बार अलाउड है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कोई भी चीज जो कभी कभार करते हैं ना वो बॉडी में फर्क नहीं डालती फॉर एग्जाम्पल मान लो महीने में एक बार जिम चले जाएंगे तो कुछ बॉडी बनेगी नहीं बनेगी है ना ठीक उसी तरह से अपने टेस्ट का ध्यान रखने के लिए भी आप चीटिंग डाइट हफ्ते में एक बार एक दिन चीटिंग कर सकते हैं एक मील के लिए राइट right? जिसमें जो चीजें मैंने प्रोवाइड किया वो भी भी आप खा सकते हैं ये इंक्लूड कर है सच्चाई तो ये है बाकी 30 परसेंट तक भी चीटिंग किया तब भी आपको प्रभाव लगेगा फायदा होगा लेकिन oh वो ना नौ महीना ना होकर बारह महीना हो जाएगा चलो भाई तीन महीना और सही लेकिन द ओनली रूल इज की So that's, that's really, really कब समय निकलता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हम लोग सब इग्नोर करते आए हैं हम सब ने कोचिंग ले रखी है मोटिवेशन कैसे बढ़ाए पॉजिटिव कैसे सोचे मेडिटेशन कैसे करें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक इस डाइट और हम में से कई लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं एंड मैं आपकी इस चीज से पूरी तरह से रिलेट कर सकता हूँ जब भी मैं अपने आसपास स्टॉक करने रख देता हूँ ये फ्रूट्स का इनका तो ऑटोमेटिकली माइंड कहता है इन्हीं को खा लो यार क्यों हेल्थ खराब हो जाएगी और जब नहीं होता है तो सामने जो दिखता है वो खाना शुरू कर देते हैं सर सो so नाइस nice. सर एक और चीज जैसे साठ की एज में पचपन की एज में आजकल कई बार ये डॉक्टर्स बता देते हैं घुटनों में गैप आ रहा है और चलते फिरते ऊपर नीचे चलते हुए घुटने दर्द करने लग रहे हैं सो so, क्या डाइट डाइट वगैरह और और ये C, और ये ये विटामिन सी जितने भी आपने की इनसे घुटनों के बीच का गैप या जोड़ों में दर्द ये भी ठीक हो सकता है सर देखिए हर बार ठीक हो सकता है यहाँ तक भी अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपके तो घुटने बदलने वाले हैं सर्जरी करके उसको चेंज करा लो अगर यहाँ तक भी नौबत आ गई है तब भी ठीक हो सकता है और ठीक होता है हो सकता नहीं है एवरी टाइम हमारे भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया ऐसा है कि वो अपने आप ही रिकवर कर सकता है और हर बार रिकवर करता है हमने तो यही देखा अपने पेशेंट्स में वो रिकवर करता ही करता है और जब कोई पेशेंट आपके बोलता है एक साल बाद सर मेरा तो कुछ बदला नहीं ठीक नहीं हुआ तो हम उनके परिवार वालों से पूछते हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो डाइट फॉलो ही नहीं कर रहा था ये बोल रहा है कि फॉलो कर रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ अगर करेंगे तो वो गैप जब होता है जैसे गैप बनता है तो वैसे गैप वापिस भी आता है हर बार आता है सिर्फ एक दो चीजें और जोड़ दीजिए मान लो जो सीवियर केसेस हैं कि हमें नट्स भी खाने हैं पीनट्स हैं आलमंड्स हैं है कैशमी नट ऐसे कितना खाना है एक मुट्ठी में जितना आपके आता है उतना खाना है Okay. स्प्राउट्स भी खाना है रोज कितना खाना है एक मुठ्ठी में जितना आता है अच्छा दांत उतने ठीक नहीं है के फिर तो, ये नहीं। दो और जोड़ अपने में, तो तेजी से और काम करेगा फिर सो सर so, कोई पूछ रहे हैं ऋषिकेश वर्मा जी पूछ रहे हैं सर कैल्शियम डाइट प्लीज आई नीड इट मेरे पैर की मेरे पैर की बोन जुड़ नहीं रही है मैं काफी दिनों से परेशान हूँ रेस्ट कर रहा हूँ so, जो कि मुझे हेल्प कर सकती है या ठीक कर सकती है या क्या कैल्शियम डाइट मुझे लेनी चाहिए सर? देखिए पहली बात तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात की कैल्शियम से अपने बोन के हेल्थ को डोंट एसोसिएट डो नॉट एसोसिएट बोन विद कैल्शियम कि कैल्शियम मैं ज्यादा लूंगा तो मेरे बोन की हेल्थ ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएगी इनफैक्ट आप अगर कैल्शियम सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देंगे फॉर एग्जाम्पल एनिमल प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे ये एक मार्केटिंग का वर्ड है अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए एक गधे का हड्डियाँ कैसी हैं वो स्ट्रांग है या कमजोर है घोड़े की कैसी है वो स्ट्रांग है या कमजोर है अच्छा हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है अच्छा तो या गाय की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है आप बोलेंगे इन सबकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत है राइट तो उन्होंने कैल्शियम कहाँ से लिया क्या उन्होंने ढेर सारा डेयरी प्रोडक्ट लिया होगा क्या उन्होंने कोई एनिमल फूड लिया है उनके बॉडी में उनकी हड्डियों में जान ताकत कहाँ से आई है प्लांट से आई है राइट right? प्लांट से आई है पत्तों से आई है राइट right? ये जितने भी मैंने एनिमल बोला है द स्ट्रॉगेस्ट एनिमल ऑफ द प्लानिट वो प्लांट बेस्ड रहते हैं और प्लांट में भी ग्रीन बेस्ड रहते हैं तो आपकी हड्डी के लिए अगर सिवियर है और ज्यादातर खास तौर पे वो लोग जो एक्सीडेंटल केसेस हैं तो ऐसे केसेस में आप एक चीज जोड़िए दैट इज ग्रीन जूस पत्तों का जूस पत्ते का कांत वैसे है नहीं तो आप अभी तो यहाँ सर्दियां तो पालक का जूस आप लीजिए एक ग्लास पालक का जूस पालक का जूस निकालने के लिए जूसर एक है इट इज कॉल्ड कोल्ड प्रेस जूसर कई सारी कंपनी बनाती है वो जूसर से रोज ढाई सौ एम एल आप जूस लीजिए और पीने में लगाइए पंद्रह मिनट तो ये जो पत्ते हैं पत्तों में सिर्फ कैल्शियम नहीं है पत्तों में वो सारी इंग्रेडिएंट है जो हड्डी को मजबूत करेगा और नंबर वन नंबर टू कि कैल्शियम से अगर आपको लगता है हड्डियां स्ट्रांग होंगी आप देखेंगे वो लोग जो लंगड़ा लंगाल के चलते हैं उनसे पूछिए है, वो बताएंगे कि जीवन भर उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट ही लिया है खूब सारा लिया है राइट बल्कि जो देश ऐसे है जैसे वियतनाम है थाईलैंड है यहाँ पे ऑस्ट्रोपोरसिस नाम की चीज ही नहीं है और यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सेंटर है यहाँ पे राइट तो जो देश जैसे स्विट्जरलैंड है राइट या डेनमार्क है या फिनलैंड है या स्वीडन है यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा बोन डिजीज है और यही सारे देश है अगर आप सर्च करें जहाँ डेयरी कंजन सबसे ज्यादा तो वो यही देश है राइट तो आप कंसिस्टेंटली देखेंगे कि आप अपने आसपास देखिए जो लोग डेयरी प्रोडक्ट या कैल्शियम प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करते हैं उन्हीं को ऑस्टोपोर उन्हीं को बोन डिजीज उन्हीं को बोन से जुड़ी हुई दिक्कतें रहती हैं वो ठीक ही नहीं होती हैं राइट तो बस आंसर है ग्रीन जूस जूस एक ग्लास आपके जीवन में पार्ट बना लीजिए बनाइए मतलब ग्रीन्स खाने हैं तो खाना मुश्किल है तो पत्ते 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 ग्रीन्स में यू विल फाइंड द दोल्यूशन उसके साइड इफेक्ट भी हैं साइड इफेक्ट ये हैं कि बॉडी में कोई ट्यूमर है किसी के पॉलिप्स है तो वो भी ठीक हो जाएगा राइट तो दैट इज साइड इफेक्ट अगर किसी को एंजाइना है तो वो भी ठीक हो जाएगा इसी ग्रीन ग्रीन जूस से तो ये एक साइड इफेक्ट हो गया राइट right? ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए लेडीज के पीरियड्स में जिनको दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगा तो दीज आर द साइड इफेक्ट कि आपने तो एक चीज के लिए दवा लिया ये दवा मतलब क्रीम जूस लेकिन साइड इफेक्ट हो साइड साइड इफेक्ट हो ना साइड बेनिफिट बोलता हूं मैं इसमें जो करेक्ट 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 दवाइयों करे। में साइड इफेक्ट होता है इसमें साइड बेनिफिट हो गया एब्सोल्युटली बस इतना करना सो सर so, एक एक सवाल जो मेरे मन में आता है जो कई बार यू you नो know, मैंने बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था मैं जब पहली बार मैंने वीगन डाइट के बारे में सुना मैंने गेम चेंजर मूवी देखी मेरे टीचर्स हैं नित्य शांति एंड ऑल वो लोग सिर्फ वीगन हैं प्योर वीगन हैं मेरी वाइफ ने वीगन कुक करना सीखा लेकिन इसमें एक सवाल ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आया कि आजकल वेजिटेबल्स वगैरह में भी इतना जहर मिलाते हैं या इतने पेस्टिसाइड्स दिए जाते हैं तो क्या वो भी खाना हेल्दी है इस समय या इतनी सारी वेजिटेबल्स वगैरह खा के लाइक uh, like, ऐसा सुना है कि कई किसान जो वेजिटेबल बेच रहे हैं वो खुद ही अपने खेत की उस वेजिटेबल को नहीं खाते कई बार सो इज इट इज इट ऑल्सो दैट इज वाई पीपल से अरे सर ये खाओ ये खाओ बात तो एक ही है सो इज एनी स्ट्रोंग थिंग विच वी कैन

राइट right? और मैं भी टोटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो डाइट मैंने बताया और दैट इज द डाइट व्हिच आई एम स्टिकिंग टू एंड इट हैज बीन मोर देन अबाउट 12 13 इयर्स सिंसियरली और स्ट्रिक्टली मैं कर रहा हूं दुनिया में कहीं भी किसी भी पार्ट में जाता हूं तो आई स्टिक टू दिस डाइट एवरीवेयर राइट सो और बड़ा आराम से कर पाता हूं सर तो, आपके दोस्त का या आपका बर्थडे होता है फिर सर हां

और जो मैंने आपको बताया नौ महीने में वो ठीक होंगे वो जबसेस या बोन डिजीज वाले नौ महीने इसलिए बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो नॉर्मल लोकल मार्केट से ही वेजिटेबल उनको मिल जाएगा जिसमें पेस्टिसाइड वाला ही खा रहे होंगे तो नौ महीना hmm. और अगर ये ना हो कि अगर ये हो ऑर्गेनिक खाएंगे तो ये छह महीना राइट wow. तो जो सर एस्टिमेट मैं साथ साथ बता जा रहा हूँ एज्यूमिंग आपको पेस्टिसाइड वाला केमिकल वाला उल्टा सीधा वेजिटेबल बनाया वाला वो मिल रहा होगा જરા سوچી કે અગર પેસ્ટેજ વાલે ભોજન સે ભી ઇતના ફાયદા હો રહા હે તો અગર વો ઓર્ગેનિક હો તો કિતના ફાયદા હોગા નંબર 2 કે અબ યહા પે વાત આ જાતી હી કે વી કે નોટ બી કમ્પ્લેઇનિંગ બીકોઝ હમ ભી ઇસી સોસાયટી કે હી હિસ્સા હે અગર આપ સ્ટ્રોંગલી એ ફીલ કરતે હે કે ભઈ યે પેસ્ટેજ વાલે ફૂડ નહીં હોના ਚahiye તો આપ અપને આપ સુજીએ કે આપકા ક્યા કોન્ટ્રીબ્યુશન હે કે ઓર્ગેનિક હો ઓર યે ના હો આપને ક્યા કિયા આપ ભી તો દેશ કે નિવાસી હે આપને તો કુછ નહીં કિયા

सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अब हम कम्प्लेन कंप्लेनिंग मोड में होना छोड़ के हमें एक्शन मोड में आना जरूरी हो जाएगा कि अगर आप इतना स्ट्रॉन्गली फील करते ही हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे तो वाला फूड राइट तो या तो कुछ करो और जब तक नहीं मिल रहा तब तक इसी सप्लाई को लो और मैं एक टेस्टिंग होनी हूँ आपके सामने की ये सारे पेस्टिसाइड होने के बावजूद भी आपके साथ ऑप्शन भी क्या है क्योंकि आप अभी भी यही कर रहे हैं कि उसको कुक करके खा रहे हैं राइट right? right. और अगर आप एनिमल फूड खा रहे हैं तो क्या लगता है वो जो एनिमल होगा वो और नहीं खा रहा होगा वो mm -hmm. तो वो भी तो पेस्टिसाइड ही रहा होगा ना राइट तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ यू हैव टू टेक द फ्रंट सीट यू हैव टू टेक एन एक्शन करेक्ट सर थैंक यू सो मच एंड दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड काफी सारे सवाल आ रहे हैं लोग चाहते हैं बट दोस्तों माफी चाहूंगा इतने सारे सवाल आपके नहीं ले पा रहा हूँ uh, सर एक सवाल जो आया है वो काफी लोग मुझसे भी पूछते हैं uh, यह है सर नींद कितनी होनी चाहिए एक इंसान की uh, क्योंकि कोई लोग कहता है कि जितने भी सफल सॉरी फॉर दैट कैन यू प्लीज डू दिस आई एम सो सॉरी मेरा फोन गिर गया था सर सॉरी फॉर दैट Uh, so I was just saying कि कई लोग कहते हैं नींद कितनी होनी चाहिए एक इंसान की एक इंसान क्या क्योंकि कहते हैं कि कई सफल लोग चार घंटा सोते हैं लेकिन कई डॉक्टर कहते हैं मिनिमम आठ घंटा आपकी नींद होनी चाहिए एंड मेरे जैसे लोग कहते हैं पांच से छह घंटा सो अः uh, सोने से सो <laughs> so, मतलब मैं भी कंफ्यूज हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा ये जवाब देता हूं कि आपकी बॉडी को सुनो अगर आपकी बॉडी जैसे मेरी बॉडी मुझे लगता है जब मैं साढ़े पांच घंटे सोता हूं तो बहुत एक्टिव रहती है बट कभी मैं सात घंटे सोता हूं तो मुझे थकावट लगती है चार घंटे में भी मुझे थकावट लगती है तो ये मेरा कॉल है सो वॉट वॉट डू यू थिंक वॉट डॉक्टर सजेस्ट अबाउट द स्लीप देखिए इसमें अगेन आई आंसर इन टू पार्ट्स नंबर वन एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कल आप में से कुछ लोग चाहे तो नॉर्मली आप लोग जो सुबह खाते हैं पराठे खाते हैं रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं बिस्किट खाते हैं जो भी नाश्ता आपका ट्रेडिशनल होता है डोसा इडली खाते हैं उसी जगह कल का दिन कल का दिन आप फ्रूट्स खाइए जैसे मैंने बोला था अभी जो लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फ्रूट्स पेट भर के खाइए बहुत पेट भर के आप देखेंगे कि कल वाले पूरा दिन आप ज़्यादा अलर्ट रहेंगे जैसे दोपहर तक नींद आने लगती है सुस्त होने लगते हैं वो सुस्ती चली जाएगी कल वाले दिन राइट राइट जस्ट मेकिंग वन स्मॉल चेंज क्योंकि आप एक चीज और देखेंगे कि जितना भी पेट भर के आप खा लें फ्रूट्स उसके तीन घंटे के अंदर आपको बड़ी तेजी से भूख लगेगी यानी कि जो भी आपने खाया था वो पेट से गायब हो गया, है। वो हो गया में। तो जब आप पूछ, पूछ रहे हैं कि कितनी नींद होनी चाहिए तो उसको बताने के लिए आई टू रियली आज पर्सन की आपका डाइट क्या है आपका डाइट डिसाइड करता है आपकी नींद क्या है जो ट्रेडिशनल डाइट है रोटी सब्जी दाल चावल चाय नाश्ता बिस्किट ये एक ट्रेडिशनल डाइट है जो हर एक का ही डाइट है इंडिया में राइट या दो ग्लास दूध या एक गिलास दूध साथ में दही ये सारी चीजें आपकी डाइट है अगर तो ये डाइट है तो आठ घंटा तो सोना ही पड़ेगा क्योंकि ये डाइट जो है आपकी बॉडी को थकाता है आपके स्टमक को थकाता है जैसे एक डेरी प्रोडक्ट है वो आपके स्टमक में अठारह घंटे रहता है तब जाके निकल पाता है तो बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है अब जरा सोचिए बॉडी को जब इतना थकान कर देंगे तो बॉडी फिर रेस्ट भी लेगा बिकॉज जब हम सोते हैं दैट इज द टाइम बॉडी रिकवर्स तब बॉडी में जो जो थोड़े बहुत कुछ कट फट गए इंटरनल ब्रेकेज हो गए उसको बॉडी ठीक करता है रिपेयर करता है राइट right? अगर बॉडी में रिपेयर करने की जरूरत कम होगी तो कम नींद से भी बॉडी का काम चल जाएगा वो कैसे होगा वन यू चेंज द डाइट सो मान लो एक चालीस साल का आदमी है चालीस से पचास साल में आइडियल लेता हूँ तो उसको आठ घंटे सोने की जरूरत है विद द ट्रेडिशनल फूड और वही आदमी अगर ये डी आई पी डेट में आ जाता है और कुछ दिन करता है इक्कीस दिन करता है मान लो तो उसकी जो नींद हो जाएगी वो 6 घंटा में उतना ही फ्रेश फील करेगा जितना वो आठ घंटे में कर रहा था यानी कि दो घंटे का उसको फायदा नहीं हुआ राइट तो आ, आपको जैसा आपने ठीक ही बताया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका थ्रेशोल्ड क्या है कितने में आप आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 आपका एम क्या है मे बी आपका एम है कि कम सोएं और आप ज्यादा अच्छा फ्रेश फील करें दैट मे बी द इफ दैट इज द एम लेकिन मैं तो पांच में ही दो घंटा तो उठना शुरू करेंगे शुरु -शुरु में आपको नींद आएगी एनर्जी कम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है तो इसमें भी इक्कीस दिन का पीरियड होता है बॉडी का जो बायोलॉजिकलॉक दैट इज अव ए साइंस तो उसके बाद आपको

कई सारे पोलिटिशियंस हैं जो कि बड़े मेहनत से काम करते हैं तो वो ऐसे पोलिटिशियन भी हैं कि जो दो घंटे सोते हैं लेकिन होता क्या है वो सोते हैं दो घंटे और काम करने में इतनी ज्यादा उनका रुझान है कि दो घंटे की ज्यादा नींद भी नहीं आती लेकिन होते होते क्या हो गया फिर डायबिटीज हो जाएगा राइट हार्ट डिजीज हो जाएगा तो एक लेवल तक अगर स्लीप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये सारी की बीमारियां ऑन लगेंगी बिकॉज़ जब आप सो रहे हैं तो बॉडी इज रिपेयरिंग आपने रिपेयर करने का टाइम दिया नहीं बॉडी को तो वो डैमेज होता गया होता गया होता गया होता गया सो so, ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आप सो रहे हैं तब तो बॉडी नहीं सो रहा है बॉडी काम कर रहा है उस वक्त भी तो बॉडी का काम फिनिश नहीं होगा और आप उठ गए तो

हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं दोस्तों दैट इज़ द थिंक रिच मूवमेंट यानी बड़ा सोचने का मूवमेंट और बड़ा सोचने के इस मूवमेंट में मैं चाहता हूं कि पूरा इंडिया शामिल हो जाए और हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं दोस्तों 23 नवंबर से लेके 29 सॉरी 23 मार्च से लेके 29 मार्च दो में एक बाइक रैली हम लोग कर रहे हैं शहीदों के सलाम शहीदों को सलाम नाम से एंड इसमें मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ <coughs> ये मेरा इंटेंशन है सात दिन की ये बाइक रैली होगी तेईस तारीख से शुरू होगी शहीद दिवस है तेईस तारीख को तेईस तारीख से शुरू होगी उन्तीस तारीख को होगी हम लोग करीब पचास सौ जितने भी बाइकर्स होंगे हम लोग ऐसे पचास सौ दो सौ शहीदों को या उनके परिवारों को ढूंढेंगे शहीदों के परिवारों को हमें पूरा सम्मान देना है बस इस रैली में मैं चाहता हूँ जितने भी हम सात दिनों में कवर कर पाएंगे आई थिंक एवरी डे वी कैन कवर अराउंड फोर टू फाइव फैमिलीज़ पांच इंटू सात यानी थर्टी से फिफ्टी फैमिलीज़ को हम लोग इतने पावरफुल उन्हें उन्हें हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो ही उन्हीं का परिवार और वो ही सबसे ज़्यादा रियल हीरोज़ हैं वो ही सबसे पावरफुल लोग हैं क्योंकि देखिए आज हीरो हीरोइन मूवी स्टार्स उनको बहुत बहुत प्यार मिलता है लेकिन एक बंदा शहीद हुआ गांव वालों ने शहादत पे आंसू भी बहाए सब लोगों ने कहा ये शहीद उसका गांव है लेकिन उसके कई बार बीवी बच्चों को उतना सम्मान नहीं मिल पाता है एंड एट द सेम टाइम अगर उनमें से किसी को भी आर्थिक सहायता या उनके बच्चों को एजुकेशन या कुछ भी चाहिए होगा तो वी वुड लाइक टू ऑफर दैट एंड जितने भी लोग मेरे साथ चल रहे हैं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं हम सब लोग चाहेंगे कि हम लोग ये कर सकें दोस्तों इस इनिशिएटिव में अगर कोई भी बाइक

उनके फैमिली की स्टोरी उसकी शहादत की स्टोरी आगे तक जाए ये एक छोटा सा प्रयास विश्व रूप सर हम सब का है और आपकी ब्लेसिंग्स इसमें हमें चाहिए सर ये तो एक बड़ी बात है एक्चुअली ये जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं ये एक्चुअली हम अपने लिए कर रहे हैं उनके लिए नहीं कर रहे हैं देखा जाए तो क्योंकि जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप देखेंगे यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म पर्सन अच्छा तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है तो मुझे लगता है कि आप ही नहीं हम सब साथ में हैं और होना ही चाहिए एंड ये मिशन तो 23 से शुरू होगा 23 मार्च राइट लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए एंड उससे अल्टीमेटली यू आर शेयरिंग द फीलिंग और फीलिंग एक्सचेंज जो मल्टीप्लाई होता जाता है और इस वक्त मुझे लगता है देश एक ऐसी स्थिति है जहां पे हमें Right? तो राइट right? तो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ <laughs> मुझे लगता है की बाइक मेरे पास है नहीं मैं एक बाइक खरीदूंगा थैंक यू सो मच सर अगर आप साथ में जुड़ेंगे तो मजा आ जाएगा सर आर यूडिंग राइट नाउ इन डेली और मुंबई सर फरीदाबाद फरीदाबाद में रह रहे हैं आप थैंक यू सो मच सर तो फरीदाबाद में जब भी आता आपसे दर्शन पर्सनली करने चाहूंगा और अगर आप भी इस रैली में एक दिन के लिए भी शामिल हो सके तो दैट विल बी एन ऑनर टू ऑल ऑफ अस सर सर एंड एक मेरा पर्सनल सवाल जरूर है आपसे uh, मैं जब आपको पहले जानता था और पहले आपकी किताबें वगैरह मैंने जब पढ़ी थी बहुत पहले आज से करीब 2007 में मैंने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखा था और मेमोरी कैसे बढ़ाएं उस समय मुझे आपकी एक किताब मिली थी तो उस समय आप मेमोरी सिखाते थे उस समय आप सिखाते थे अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा उसके ऊपर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए और अब आप पूरी तरह से सिर्फ हेल्थ के और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं so, सो ये दोनों चीज़ों को क्या अभी भी आप मेमोरी वगैरह के बारे में ट्रेनिंग देते हैं अगर देते हैं तो हम कैसे अपनी ज़्यादा इंटेलिजेंस बन सकते हैं कई स्टूडेंट का सवाल था ये कि मैं कैसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनूं और ये ट्रांजिशन आपका कैसे हुआ सर ये मेरा आखिरी सवाल है मेरी तरफ से एंड उसके बाद एक और पब्लिक सवाल लूंगा सर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फिर होता है, है <laughs> जैसे आपने डिप्रेशन का केस किया तो वो जब डिप्रेशन शुरू हुआ था तो साइकोलॉजिकल लेकिन hmm. वो इट टर्न फिजियोलॉजिकल लेकिन फिजियोलॉजिकली जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो सिर्फ साइकोलॉजिकली उसको एड्रेस करने से उसको लाभ नहीं मिलने वाला है Mm -hmm. so that I when, uh, आपने भी रियलाइज किया आप बोल भी से अभी, कई बार आपने बहुत सारी बीमारियां शुरू तो होती है लेकिन वो फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में ले आती है uh, right. side, अब जब तक उसको हम नहीं तो साइकोलॉजिकल एड्रेस करने से वो फ्यूटाइल हो जाता है mm -hmm. so, was, uh, thing, uh, जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था और साथ में मैंने अपना इंसिडेंट बताया भी कि भाई जो मेरी अपनी पर्सनल मेरी वाइफ का मैंने जो केस बताया तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा था कि ये इंटीग्रल माइंड बॉडी दोनों एक्चुअली एक दूसरे के साथ कंपेनियन है इनको अलग अलग नहीं करके देखे इनको अगर मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया नंबर वन नंबर टू जो आपका सवाल है कि अभी भी मेमोरी का मैं ये मेमोरी में काफी कुछ करना चाहता हूँ लेकिन अभी हेल्थ इश्यूज में इतना सारा चीज करने को है

तो सारी दुनिया में जो मेमोरी से जितने भी टेक्निक्स हैं वो सारा एक ही बुक में उस तरह से है कि कोई भी इंसान कुछ एक दिन में दस पंद्रह दिन में उसको मास्टर कर सकता है तो वो पढ़ लें खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो मोटिवेशनल जो मान लो लेक्चर याद करना है तो उसको अगर याद करने के लिए ट्रेनिंग तो तो वो hmm. उसमें उस तरह के टेक्निक्स हैं आपको खैर तो सारे पता ही हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं से उनको नहीं पता जब मैंने uh, around, uh, पहर, महीने पहले यानी कोविड जब शुरू हुआ था ना तब मैंने आपके वीडियोस वापस देखने लगे तो मुझे विश्व रूप राय चौधरी के नाम से मेमोरी ही याद आया था तो मुझे लगा आप अलग हैं वो अलग है <laughs> फिर बाद में ज्यादा वापस जाना तो फिर मैंने कहा ये तो सेम है एंड रियली अप्रिशिएट सर कि इतना सारा काम आपने किया है पच्चीस से ज्यादा आपने बुक्स लिखी है इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं इतने सारे लोगों को इतना फायदा हो रहा है एंड uh, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आई uh, दोस्तों आप सभी को जितने भी सवाल हैं उन सभी का उत्तर आपको मिल जाएगा आप विश्व रूप राय सर के यूट्यूब uh, चैनल को आप जरूर फॉलो करें विश्व रूप राय चौधरी आप सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी नाम डालेंगे तो भी आपको आ, हजारों वीडियो मिल जाएंगे ये जैसे डी सर ने बताया या स्लीप के बारे में बताया ये सभी सर के चैनल पे हैं सो प्लीज फॉलो हिम हिज वेबसाइट इज ऑल्सो विश्वरूप डॉट कॉम बी आई एस डब्ल्यू आर डब्लू पी डॉट कॉम एंड ये आई नो इतने सारे एंडलेस सवाल है कि मैं uh, सर एक लास्ट सवाल मैंने वादा किया था कि ऑडियंस का लूंगा आई नो दैट बहुत सारा समय आपका ले चुका हूँ सर वेरी हेल्दी स्टोमक के लिए डाइट प्लान बताइए आई थिंक डाइट प्लान पे तो आप काफ़ी कुछ बता चुके हैं तो मैं ये दूसरा सवाल लूंगा सर मेरे पापा को प्रोटीन वाली सब सभी चीज़ें बहुत पसंद है लेकिन उन्हें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करें आयुषी वैश का ये सवाल है एंड दिस इज द लास्ट सवाल लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस सर देखिए इसमें जब प्रोटीन की बात करते हैं ना तो एक बात हमें याद रखना पड़ेगा प्रोटीन वाली सब चीजें सोचते हैं तो प्रोटीन से दिमाग में क्या आता है प्रोटीन से आपको याद आएगा कि कोई एनिमल फूड याद आएगा राइट सो डेयरी प्रोडक्ट याद आएगा दैट इज हाउ रिलेट टू प्रोटीन जब मैं बोलता हूँ प्रोटीन तो कोई फ्रूट्स याद नहीं आ रहा राइट right, करेला याद नहीं आ रहा नहीं। तब आम याद नहीं आएगा तब याद आएगा तो अंडे याद आएंगे तब याद आएगा तो डेयरी प्रोडक्ट याद आएगा तो एक एक सिंपल बात याद रखिए सभी लोग कि देर इज नथिंग कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी कभी सुना है आपने somebody died of प्रोटीन deficiency देर इज नथिंग कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी इट राइट तो प्रोटीन जो एक वर्ड है इसको भी मार्केट किया गया और इसके इर्द गिर्द वो सारे प्रोडक्ट दिए गए कि प्रोटीन पाउडर वगैरह प्रोटीन शेक तो पहले तो अपने वोकेबलरी से प्रोटीन वर्ड को हटा दीजिए फ्रॉम द डिक्शनरी जहां पे डाइट से कनेक्शन है राइट तो पहली बात तो ये होगी अब रहा सवाल यूरिक एसिड का दिक्कत है देखिए यूरिक एसिड के स्पेसिफिक केस में बात करता हूँ तो यूरिक एसिड के केस में यह एलडीएल है एस है ट्राइग्लिसराइड है स्पेसिफिक इन केसेस में उसकी जो नंबर है वो नंबर पे आप ध्यान मत दीजिए राइट डायग्नोस्टिकली कि डायग्नोस्टिकली ये नंबर है तो ये अच्छा है राइट जैसे कोलेस्ट्रॉल किसी का अगर दो सौ पंद्रह है तो बहुत बुरा हो गया और अगर एक सौ पच्चीस है तो अच्छा हो गया तो ये जो डायग्नोसिस के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा है या बुरा है तो वो छोड़ दीजिए तो यूरिक एसिड को चेज मत कीजिए यूरिक एसिड या ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल एल डी एल एस डी एल ये सारी चीजों को ना तो आप डायग्नोस कीजिए ना उसको बेसिस रख के फिर डिसाइड कीजिए कि आपकी हेल्थ कैसी है आपकी हेल्थ कैसी कौन बताएगा वो सिर्फ आप बताएंगे डायग्नोस्टिकली पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी बल्कि मैं आपको बताऊंगा डायग्नोस्टिकली इतना बड़ा फील्ड है फील्ड है या बिजनेस है कि इस इसके बारे में जिनको और जानना है इस तेईस तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का वन uh, एनिवर्सरी है तो उस दिन बारह बजे आप कोरोना काल डॉट टीवी हमारा तो यूट्यूब चैनल तो यूट्यूब वालों ने उड़ा दिया यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर लिंकड वो सब ने मुझे बैन कर दिया राइट right. तो 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 क्योंकि ये सारी ये बातें होती हैं इनसे अगर इंसान ऐसे ही ही ठीक हो जाएगा जाएगा तो शायद वो दवाइयों को लेना भूल तो तो उस दिन डायग्नोसिस के बेसिस में एक्चुअली हाउ टू इंटरप्रेट इट क्योंकि कई बार और नाइनटी बिकम्स अ डिजीज राइट आपका ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर आ गया

things will fall in place अगर तो body में कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी दिक्कत नहीं है तो दिक्कत होगी नहीं how wonderful sir So, i it it is a news for me because मैंने तो दो तीन दिन पहले आपके काफी सारे videos uh, कई जगह देखे maybe they were uh, getting played on some other people's channel लेकिन uh, it's a news so is, is this ban because you started talking about कि corona आसानी से जा सकता है सिर्फ अपने health issue immunity या फिर because of something else मैं ये एक मिनट लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोविड नाइनटीन का मैंने आपको थ्री स्टेप फ्राइट जो आप बता भी रहे थे अभी मौसमी uh, का जूस फ्रूट uh, जूस एंड कोकोनट वाटर से तीन दिन में ठीक हो सकता ऐसा मैंने मार्च को जब तो लॉकडाउन नहीं था तब हेल्थ मिनिस्टर को मिलकर हर, डॉक्टर हर्षवर्धन को पार्लियामेंट में जाके मेरा बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके ये तो तीन दिन में ठीक हो सकता है वाई टू गो फॉर तब अभी अभी स्कूल और सिनेमा हॉल बंद ही किए थे लॉकडाउन में लगा था ये सब बंद करने की कोई जरूरत नहीं है कोई किसी को हो जाएगा तो तीन दिन में ठीक हो जाएगा उन्होंने बात मानी नहीं कहा कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हम नहीं मानेंगे आपकी बात तो क्या आ, उसके बाद आई डिसाइडेड कि हम ठीक करेंगे और हम, मैंने पांच सौ लोगों की टीम बनाई अपनी पूरे देश भर में वी कॉल इट नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट और हमने अभी तक ऑन रिकॉर्ड फिफ्टी थाउजेंड कोविड पेशेंट को ठीक किया फिफ्टी थाउजेंड विध थैंक जीरो डेथ जीरो मेडिसिन एंड जीरो मनी एक पैसा भी मिले पचास हजार ऑन रिकॉर्ड है राइट right? आप में से जो लोग यूट्यूब में हैं जो जुड़े हुए हैं आप चाहे तो ये अपने, अपने हर शहर में हमारे कम से कम हर शहर में कम से कम पचास पेशेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड अगर किसी भी शहर का डीएम बोलेगा कि मेरे शहर का पचास पेशेंट दिखा दो तो मैं दिखा दूंगा राइट right? और क्योंकि अभी एक हेल्थ इमरजेंसी लगा लगा है इमरजेंसी में रूल ये होता है कि कोई अगर झूठ बोल रहा हो तो सीधे जेल में डालो राइट right? यानी कि गुमराह कर रहा है राइट right? देखिए ये मेरा घर है जेल नहीं है यानी कि मैं ठीक ही बोल रहा जो टेक्निक मैंने अभी आपसे शेयर किया ये सारे टेक्निक्स भी हमारे मेरे यूट्यूब चैनल में थे तो यूट्यूब ने बैन कर दिया उस चैनल को ब्लॉक कर दिया फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया सब्सिक्वेंटली ट्विटर ने किया लिंकिन ने किया इंस्टाग्राम ने किया

डब्ल्यू एच ओ ने भी जो अपने सबसे बड़े ट्रायल किए कोविड नाइनटीन पे वो बारह हजार पेशेंट पे किए जबकि हम लोग पचास हजार पेशेंट पे किए हमारे और हमारे टीम ने मिलकर तो मैं यही शुरू से बोल रहा हूँ आपको कि ना तो ये वैक्सीन की जरूरत है ना ही हमें डरने की जरूरत है और ये चीज मैंने अपने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे स्टेट जहाँ पे है यहाँ पे भी मैंने दिया तो उनका यही कहना है कि हम तो डब्लू की बात मानेंगे उन्होंने ये नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हैं ये सारा कुछ एक खेल है नेटवर्क चलता रहता है यही चल रहा है सर सो ऑनर टू मीट यू मतलब इतना बड़ा काम आप कर रहे हो और हम लोग जस्ट छोटा छोटा काम कर रहे हैं और अभी इतने खुश हो जाते हैं लेकिन इतने लेवल पे आपने काम किया पचास हजार पेशेंट्स को रियल में जीवन दान देना ठीक करना उनको डर से निकालना एंड 50 यू uh, नो you know, इतनी बड़ी पाँच लोगों की टीम बना के ये करना एंड चैनल बैन हो जाना ये सब होने के बाद भी एंथुजियाजम से काम करते रहना अपने एंथुजियाजम को और ज्यादा बढ़ाते रहना आई थिंक लॉट्स एंड लॉट्स टू लर्न फ्रॉम यू सर सैल्यूट टू यू प्रणाम आपको सर एंड सच में दोस्तों सर बहुत सारा प्यार आपके प्रति यू नो YouTube चैनल और जहाँ पे हम लाइव हैं वहाँ से भी है यू आर यू रॉक्स आई ऑल्सो गेट क्योर्ड फ्रॉम कोविड 19 बाय Following diet which recommended from Dr. Vishwaroop, Nitin Neel Ye Bat kar rahe hai, Sir Ashwarya Pawar, wow, sir. Uh, uh, Dr. Vishwaroop Rai Chaudhary is not an ordinary man. Please share link of Corona TV. So, uh, Dot t, uh, TV. Sorry, Corona C O. Yes, sir, you can see it live over there uh, on, the, on the screen. Tons of love. You are God, sir. Salute to you, sir. Great work, sir. Uh, you

येस यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो जब मैं बोलू वन टू थ्री आप लोगों को बोलना है यू रॉक्स वन टू थ्री कमन गो है

Thank you, sir, Thank you. for saving so many lives. Thank you, I, I support, sir. <laughs>

इस uh, शो में आई रियली एंजॉयड एंड द का वे यू आज द्वेश्चन वंडरफुल और uh, मुझे लगता है कि हम और आप मिलकर बहुत अच्छी टीम बनने वाले इन फ्यूचर दैट इज वन थिंग एंड सेकेंड थिंग जब आपने कमिटमेंट लिया तो मुझे पता चले गया कि इसका मतलब लाखों लोग ट्रांसफर होने वाले हैं बिकॉज पीपल फॉलो यू सो ये एक बड़ी बात है ये बड़ी उपलब्धि है आज की इस सेशन की मेरे लिए पर्सनली बड़ी उपलब्धि है तो खैर uh, हम मिलेंगे इन फ्यूचर और आप सबने पेशेंटली हमें सुना

थैंक यू सो मच आप लोग इतने पेशेंट से इतने इतने घंटे सवा दो घंटे तक आप लोग सुन रहे हैं एंड आप सब ने इतनी शांति बना के रखी सब लोगों ने इतना पेशेंस बना के रखा आप सभी के लिए एक बार जोर से तालियां एंड एक बार विश्व रूप राय सर के लिए भी लिख दीजिए वहां नीचे सर यू रॉक सर यू रॉक दोस्तों दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मोमेंट दिस इज अगेन एन एक्सट्रॉडनरी मोमेंट मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में कोई ऑर्डिनरी मोमेंट नहीं है जिंदगी में सारे के सारे मोमेंट्स एक्सट्रॉर्डनरी है और आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन पिछले सवा घंटे में यू नो ड्राइट फ्रॉम आई थिंक द द पर्सन हु हैज लिटरली ट्रांसफॉर्मिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ इतनी सारी जिंदगी उन्होंने ट्रांसफॉर्म की है उनके मुंह से से श्रीमुख डायरेक्ट आपको ये सुनने को मिल रहा है दोस्तों डाइट को कंट्रोल करना है हम सबको डाइट के साथ साथ नींद को भी कंट्रोल करना है तो डाइट में सब कुछ छिपा हुआ है हमें अंधविश्वासों में नहीं जाना है बस कैल्शियम खा लो हमें नींद खा लो देखिए हम पहले दिन से एक ही बात कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ आ जाएगा और भाई कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं भूपेंद्र इतनी ऊर्जा कैसे रहती है आज सुबह से सेशन ले रहा हूं बैक टू बैक ये थर्ड सेशन है इनफैक्ट आप में से कई लोगों

फ्रेंड्स फिजिकल एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म करना है क्योंकि मेंटल एनर्जी को तो हमने विजुअलाइजेशन से ट्रांसफॉर्म कर लिया हाउ वंडरफुलट द सेम टाइम खाने पीने को और एक्सरसाइज को भी ध्यान रख के हम लोगों को ये एनर्जी को और ज्यादा बैलेंस करना है एंड इसके लिए मैं आप सभी से विनती करूंगा एक तो विश्व रूप राय सर का जो भी वीडियो मिल सके वो देखें ताकि आपको समझ में आ सके आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो कैसे दूर हो सकती है और दूसरी चीज मैं आपको ये भी कहूंगा अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो एक फरवरी से मेरा कमांडो ट्रेन का बैच चालू हो रहा है रोज चार उठना मेरे साथ शुरू से तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वो लिंक वापस से मिल जाएगा इसके पहले वाला या दूसरा वाला वीडियो होगा आप कमांडो ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन का वीडियो आज का जरूर देखें और उसमें हंड्रेड शामिल हो जाइएगा दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग ऐसी विश्व रूप सर ने कहा कि जल्दी उठना अभी आपको तकलीफ लगता होगा लेकिन अगर आप, that, अगर आप 10 दिन 20 दिन 25 दिन 21 दिन 22 दिन उठना लगेंगे धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा माइंड इसके लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा राजेश के न्यू शो ऑन द स्क्रीन कमांडो ट्रेनिंग का ओरियंटेशन का लिंक सो दैट पीपल कैन गो थ्रू इट एंड दोस्तों अब मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटी छोटी जानकारियां जैसे बहुत सारे लकी विनर्स का नाम हमें अनाउंस करना था जो कि हम अनाउंस करना भूल गए लेकिन लकी विनर्स का अनाउंस करने से पहले एक चीज बताऊंगा कल इस सेशन का आखिरी दिन है 18 तारीख है 16 दिनों का ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कल शाम को पूरा होने वाला है दोस्तों कल का सेशन मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स को सभी दोस्तों को जिन जिन को इनवाइट कर सके हैं वो इनवाइट कीजिएगा हम लोग स्पेशल इनविटेशन लिंक आप लोगों को कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या ई के थ्रू आपको भेजेंगे कल हमारा ई जरूर चेक कीजिएगा कल अगर आप मेरे से फेसबुक सोशल मीडिया पर कहीं पर भी जुड़े हुए हों तो दोपहर बारह बजे के बाद जरूर मेरी पोस्ट को चेक कीजिएगा ताकि आप लोगों को कल के सेशन का लिंक मिल सके कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है कल के सेशन में धमाल होगा एनर्जी होगी एक्साइटमेंट होगा सिंगिंग होगी मस्ती होगी कुछ नए नए चीजें होगी कुछ सरप्राइजेस होंगे एंड एट द सेम टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये शहीदों को सलाम ये क्या है शहादत को सलाम ये क्या है ये बाइक रैली में हम में से कई लोगों को जुड़ना चाहिए दोस्तों सौ शहीदों सौ लोग बाइक पे जाएंगे शहीद किसी भी शहीद के घर पे जाएंगे उसके बच्चों को गोद में खिलाएंगे उनके घर वाली वा, उनके माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे उसको बाइक्स ऑन करके सलामी देंगे कैन यू इमेजिन कि वो परिवार कितने दिनों तक खुश रह पाएगा बहुत ज्यादा लंबे समय तक दोस्तों हमें उनकी कहानी घर घर तक पहुंचानी है क्योंकि अब वो देशभक्ति का बीड़ा उस लेवल पे उठा सकते हैं तो हमें भी पूरे देश को मैसेज देना है कि एक शहीद है ना वो ही रियल हीरो है आज के बाद मिलियंस ऑफ लाइक्स आने चाहिए तो उस शहीद को मिलने चाहिए करोड़ों अरबों फॉलोअर्स बनने चाहिए तो उस शहीद के बनने चाहिए उसके परिवार को मिलना चाहिए करोड़ों क्योंकि उसने इस देश के लिए आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए आपके और मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने इतना बड़ा काम कर दिया अपने प्राणों तक को न्योछावत

आइए हम सब एक साथ जोड़े क्योंकि ये भारत बड़ा सोच रहा है आप लोगों के रूप में बड़ा सोच रहा है आप लोगों के कारण ये बड़ा सोच रहा है अब बदलेगा मेरा भारत अब बदलेगा मेरा बच्चा बच्चा फिर आएगी क्रांति फिर लिखेंगे हम एक और नया जोश जुनून की कहानी दोस्तों हम में से हर एक आदमी शहीद दिवस पे मेरे साथ जुड़ जाए शहीद दिवस को इस बार भगत सिंह जी को एन राजगुरु जी को एन सुखदेव को सलाम बोलेंगे साथ में कई सारे रियल हीरोज को हम लोग टच करेंगे दोस्तों कई सारे लोगों को मैंने और मेरी टीम ने लकी विनर्स के लिए बोला था तो आज आप लोगों को लकी विनर्स चौदवे दिन के मैंने काफी लोगों के अनाउंस नहीं किए थे पांच मग पांच टी शर्ट फाइव मेन्स वॉच टू एम आई बैंड फाइव वुमेन्स वॉच एंड एक मेगा बोनस जो है टैबलेट वो किसको मिलता है आइए देखते हैं पांच मक्स मिलते हैं अनुभूति अनुभूति जैन को पायल को शाहरुख को बाबूलाल को एंड प्रगना भीम इन सभी की आईडीज डीज यहाँ है फिर भी आप इंस्टाग्राम पे इन सबको देख सकते हैं ओके टी शर्ट किस किस को मिलेंगे हरीश भंडारी शैले साहू डोली लोकेन्द्र शर्मा प्रियल गुप्ता एंड इसके बाद मेन्स वॉचेस अंकित बाना अंकित बाना श्याम बगाड़े शुभम सिंह कृष्ण कुमार नितिन रातुरी ये मेंस वॉचेस इनको मिलती है विमेन्स वॉचेस मिलती है फरीन अंकिता अधिकारी पायल जैन पूजा राठौड़ कालिंदी दलाल दीज गाइज आर रॉकिंग एंड एम आई बैंड मिलते हैं संजीव को एंड रितु भारती को रितु भारती ने लिंकड इन पे डाला है संजीव ने फेसबुक पे डाला है इनको वहां से पिक किया गया है एंड लेट्स गिव अग हैंड टू कॉमल वारने फॉर विनिंग एन अमेजिंग टैबलेट राइट गेटिंग

राहुल एंड अमित चौधरी को फिफ्टींथ डे में मिलती है प्रशांत कुमार गोपाल श्याम बगाड़े श्याम बगाड़े दो बार राजेंद्र प्रसाद मनोज कुमार एंड मिलती है अनुषा हिना रमाया उमा रानी एंड गुरमीत इन सभी को हमने किसी को फेसबुक से लिया किसी को लिंक और किसी को इससे एमआई बैंड मिलता है अशिमा एंड पूनम को एंड एट द सेम टाइम दोस्तों आखरी मोबाइल का लकी विनर है देवानंद ओके देवा पाटिल 8484 बोर्न टू विन देवानंद यू ऑन द जूम देवानंद आई यू देअर ऑन द जूम इफ यस आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू ऑन द स्क्रीन यो है कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल

क्योंकि तुम yes. जैसे शेर वापस से जाग गए हैं दोस्तों दोस्तों आप और मैं बहुत बहुत बढ़िया इस मिशन में जुड़ चुके हैं आइए सेलिब्रेशन के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं क्योंकि आज आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मिल चुकी है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के श्रीमुख से आपने इतनी सारी चीजें सुनी हेल्थ के बारे में उसे इंप्लीमेंट कर लीजिए

डे फोर्टीन लकी बुक विनर लकी बुकों को नाम मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा uh, आप लोगों को बताना चाहूंगा सॉरी फॉर दैट बिफोर द म्यूजिक स्टार्ट चौदह मेरी बुक्स किस किस को मिली आइए देख लेते हैं क्विक रियल क्विक सो डे फोर्टीन लकी बुक विनर्स दो लैंग्वेजेस में आपके पास ऑप्शन है हिंदी में और इंग्लिश में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी बुक चाहिए हिंदी की या इंग्लिश की वी विल ट्राई टू डू दैट कौशल जादौन कॉन्ग्रेचुलेश अपॉर्ट फ्रॉम दैट दिलीप पिंटू परेश पटेल कुलदीप सिंह आदर्श राज एन प्रिया ये सभी को हमने LinkedIn से सेलेक्ट किया है and शालू लादानी Anita मिश्रा Lakshvinder, Nayak, Priya, and Puja Sharma, they are all selected from the Facebook. Wow. Congratulations. Thank you so much, everyone. Thank you so much for the

अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ और राइट सो टाइम इज आप बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं एंड बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हैं अब समय है सेलिब्रेशन का वन टू थ्री लेट्स गो sobola oyo ndeyi oza kusoma nabasomaki yunifoom ndeyi oza yaba aza kusoma nabasomaki yunifoom ndeyi oza yaba aza kusoma nabasomaki yunifoom so. <laughs>

All right, everyone, good night.